हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार फ्रॉम ऑनलाइन रेलवे स्टडी सेंटर। मैं ऑनलाइन रेलवे स्टडी चैनल से बोल रहा हूँ और आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। हाँ जी, खुशखबरी। तो रेलवे सीबीटी 2 के लिए तैयार हो जाओ। रेलवे सीबीटी 2 की डेट आ गई है। आप चाहें तो आप RRB अहमदाबाद के साइट पर जाकर आप EPDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा आपको जो ऑल ब्रांचेज के CBT2 केस आपको सिलेबस भी वहाँ पे मेंशन है, अब मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा अपने अपने ब्रांच का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये PDF आप देख सकते हैं। ये PDF जो है मैं वहीं से RRB अलाहाबाद के साइट से डाउनलोड किया है। मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, तो इसमें सेकंड स्टेज के बारे में लिखा गया है, द रिजल्ट प्रोसेसिंग द फर्स्ट स्टेज CBT इन फाइनल स्टेज। बोल रहा है फाइनल स्टेज का जो रिजल्ट है वो प्रोसेसिंग में है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट सेकंड स्टेज फॉर RRB बेस्ड ऑन देयर मेरिट। बोल रहा है कि जो सेकंड स्टेज के लिए लड़के सेलेक्ट कर जाएंगे, मेरिट और उनका पोस्ट प्रेफरेंस पे पब्लिश किया जाएगा 5 नवंबर और 5 नवंबर से पहले, अलॉन्ग विथ एक्चुअल मार्क्स एंड नॉर्मलाइजेशन स्कोर। उसके बाद बोला है कि एक्चुअल मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर होगा उसके साथ किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं, तो बोला है कैंडिडेट एडवाइज टू सेकेंड स्टेज से लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम 19 नवंबर। देखिए जी, 19 नवंबर से क्या है जी, ये बोला है कि 19 नवंबर से हमारा एग्जाम लाइकली टू स्टार्ट हो जाएगा। लाइकली मतलब होता है कि इससे थोड़ा देर आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, ठीक ना, इसलिए लाइकली वर्ड लगाया था। आपको भी पता भी है कि जो आपका वैकेंसी भी जो आया था ग्रुप डी का, तो उसमें भी लिखा गया था लाइकली टू बी 60,000, यानी 60,000 के पास लिखा गया था। तो जो वैकेंसी क्या हुआ, 64,000 हो गया, आगे बढ़ गया, इसलिए घट बढ़ सकता है, इसलिए लाइकली लिखा हुआ है। तो इन सब वर्ड को समझना चाहिए। लोग ऐसे बता रहे हैं कि 19 नवंबर को है, 19 नवंबर से स्टार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने एस्पेक्ट किया, तो हमें 19 नवंबर तक तैयार रहना पड़ेगा जी। आप ये, और उसके अलावा आपको बहुत सारे ट्रेड्स के ऑफिशियल साइट पर आपको लिंक दिया गया, ये बता रहा है, उसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रिपरेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से तैयारी की होगी। अब जम के सेट लगाइए, जितना सेट लगाइए उतना फायदा होगा, बस यही एक मूल मंत्र है, जितना सेट लगाइएगा वही फायदा करेगा, मूल मंत्र है। अब तक जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब सेट लगाइए और पढ़िए। और वीडियो वगैरह अगर आपको देखना हो, कुछ डाउट लग रहा हो, तो आप उस टॉपिक की वीडियो ही देखें। चलिए, थैंक यू मेरे फ्रेंड। और अब तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच।